पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि इनको इस दफा ट्रेनिंग देकर भिजवाया गया है ग्राउंड के अंदर, और वो उसके ऊपर पूरा उनका डैशबोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर वो मॉनिटर हो रहे हैं। इसकी बाकी डिटेल्स के लिए जो ये सब 25% कमी के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो रमज़ान बाजार के अंदर इस वक्त लोग खुद पब्लिकली सोशल मीडिया हो उसके ऊपर वो खुद जो है वो प्राइसेस लगा के बता रहे हैं कि प्राइस में कमी आ रही है, और इन प्राइसेस जो 25% कमी है उसके बाद भी हमारे मिनिस्टर साहिबान, मैं आशिक किरमानी साहब को भी ज़रूर यहाँ पर याद करना चाहती हूँ, वो आ नहीं सके उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, इन दोनों ने मिलकर जो है वो और भी इसके ऊपर कमी का जो है वो इस वक्त इंशाल्लाह ताला खुशखबरी जो है ये देंगे, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। जैसे मैंने बताया था कि इंशाल्लाह एक नया महकमा डिवाइस किया जा रहा है या अथॉरिटी बनाई जा रही है जो 12 महीने अशाय खुर्दोनोश जो है, और ये काम है, मेन काम है। हम मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक आपने वजीर आजम वो भी देखा था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, क्योंकि उसका आम आदमी से ताल्लुक नहीं था। मेरी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक आम आदमी की प्रॉब्लम से भी है, आम आदमी के जो मसाइल के हल से भी है, और वो खुद जो है वो आम लोगों के बीच में जाकर उनके मसाइल, अब रमज़ान बाजार के अंदर उनका जाकर ये पूरा उसको देखना, रेट लिस्ट को मेक श्योर करना, और जो बाकी महकमाना चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, इसमें इन्होंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह रमज़ान निगेबान जो पैकेज है उस पर 65 लाख जो लोग हैं उनको उनकी दहलीज पे उनको फूड हैम्पर्स दिए गए हैं, उसमें जो डिटेल बताई है जो जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल, घी, बेसन। तो एक चीज़ ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, आपसे मदद मांग रहा हूँ कि कोई एक कंप्लेंट मुझे बता दें। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पैकेज जो 30 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट पे जो बिल्कुल उसको लोगों को जो नीडी थे उन तक पहुंचाया गया, कोई क्यू जिस पे मीडिया हमेशा मीडिया की स्क्रीन्स बढ़ती हैं कि देखिए जी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, और कोई एक चीज़ कोड करके बता दे। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक माइंडसेट है, आप टेलीविज़न आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता, गवर्नमेंट फूड हैम्पर्स देती है और वो थर्ड रेटेड होते हैं। कोई एक कंप्लेंट बता दे, ये चैलेंज नहीं है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उस पर जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क उठा हो कि जी कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हुआ है, 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। हम खुद उन गोडाउंस में जाते हैं जहाँ पे इसकी पैकिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमें जो गिवन टारगेट था वो यही था कि भाई किसी किस्म का कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी इक्का दुक्का जगह पे नारोवाल साइड पे किसी जगह पे अगर कंप्लेंट आई है तो हमारे पास ये जो हमने जो वेंडर्स जो एंगेज किए थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने किए थे उनका ट्रेसेबल डाटा मौजूद था कि कौन आटा दे रहा है, कौन सी मिल से आ रहा है, कहाँ से चीनी आ रही है, कहाँ से बेसन आ रहा है, कौन सी ब्रांड का घी आ रहा है। तो उनको बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया था कि जी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो आप महीनों के लिए बिजनेस से आउट है, सीलिंग भी होगी और महीनों के लिए बिजनेस से आउट है। उससे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल डिनाई करता हूँ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड रेटेड चीज़ें, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज था कि जी लोगों के दहलीज तक उनको इज्जत के साथ उन तक पहुँचे और कोई क्यूज ना इस्टेब्लिश हो। ऑल्टरनेट डे पे मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं और एक एक चीज़ को वहाँ पे निटी ग्रिटी को डिस्कस किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि 50% से अबव हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और गिवन डेट है 10th ऑफ रमजान, उस तक इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली और कम्फर्टेबली अपने वो टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा होता है, बदकिस्मती के साथ ये कौन करता है, ये एक तरफ गवर्नमेंट जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हर गवर्नमेंट आके अपने तौर पे कोशिश करती है कि ये जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल करें और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं इनको लगाम डालें, सब तरह के सवाल आपकी तरफ से भी उठने हैं। तो उस पर बाकायदा तौर पे वो जो प्राइसेस जो पिछले साल रमज़ान के दरमियान थी इंश्योर किया गया कि उनको हर सूरत में उस पर लेके आया जाए। मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि अनियन प्याज, जो प्याज है जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो 350 पे मेरे और आपके घरों में जा रहा था,
350 पे फिगर याद रखिएगा, आज पांचवा रमजान है अल्हम्दुलिल्लाह, आज नोटिफाइड प्राइस 200 है मगर 200 पे बिक नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है, उनका कंसर्न है कि हमें आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस पे नजर रखनी है, इसको कंट्रोल करना है। वो भी बता दें, वो जो हमारी इस वक्त रमजान बाजार के अंदर जो है वो 150 रुपीस जो है वो इस वक्त मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पे ये किस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया, इसकी ऑक्शन को बकायदा तौर पे मॉनिटर किया गया ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग। कमिश्नर डीसी जिनका ये काम नहीं हुआ करता था उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोट करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहाँ पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ, वहाँ पे जिस जिस मिनिस्टर की जिस जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे प्राइसिस को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आम ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि एक दो दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू टमाटर प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए भी ट्रकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशन होती रही है। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम इससे भी पिसा हुआ तबका उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाजार यहाँ पे एस्टेब्लिश है वहां पे 25% से ज्यादा आज भी वहां पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है बिक रहा है और डेली पे मैं विजिट करता हूँ एक दो बाजार रोज विजिट करता हूँ। आप जाके देखेंगे वहां पे जो लोग बड़ी अपनी खुश बड़ी अच्छे तरीके से वहां पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ एक चीज जरूर की गई है कि वहां पे कमर्शियल यूज के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बड़ी बल्क में खरीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया और अलाउ किया कि एक दो केजी दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज्यादा हमारे मॉडल बाजार है जो बड़ा सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पर चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत जरूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी मॉडल बाजार की और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है उसके लिए हमने बकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिजनेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की है कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज़्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं इन चार दिनों जो गुजर गए, उनका मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि ये जो 1400 से ज़्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब।